नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और किस किस कमोडिटी में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्या फंडामेंटल्स हैं और आगे जाके किस कमोडिटी के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं वही सुबह वाले ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ना ही ज़्यादा मंदी है ना ही ज़्यादा तेजी है, वही एक मिड रेंज में सोने चांदी की कीमतें देखने को मिल रही है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर। गोल्ड देख रहे हैं $1928 पर है, सिल्वर $24.28 पर, गोल्ड और सिल्वर। दरअसल आज डॉलर में जो तेजी आई है और दूसरा यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर जो बढ़त देखने को मिली है, तो उसका प्रेशर सोने चांदी की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं जब जब डॉलर और डॉलर इंडेक्स तेजी की ओर जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेज हैं उन पर एक प्रेशर देखने को मिलता है, वही सेम रुझान आज भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में आज घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे यहाँ से अब क्रूड ऑयल की। तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI वही $99 के आसपास है, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 पर। देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो मार्केट है वही सुस्ती वाली सेम रेंज में देखने को मिल रही है, जो कि हमने आज सुबह के कारोबारी सत्र में जैसे खुलती देखी थी, ठीक वैसे ही ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जो अपना क्रूड का जो आउटपुट बढ़ा सकता है इस मई के महीने से, इन खबरों के चलते क्रूड की कीमतों में हमने एक नरमी आते हुए देखी है। लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों को जहां पर अमेरिका के इस बयान से मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, वहीं ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उस पर कोई बातचीत ना बढ़ने से, उस पर कोई चर्चा ना होने से, या उसका कोई कह सकते हैं इस पर कोई ज़्यादा खास टिप्पणी नहीं होने से भी मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता रहेगा। और कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि बाई चांस अगर अमेरिका अपने क्रूड रिजर्व से रिजर्व्स निकाल भी देता है और उसके साथ साथ जो बाकी अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो भी अपना क्रूड रिजर्व से ऑयल जारी कर देते हैं, तब भी जिस हिसाब से अभी डिमांड है और मार्केट में सप्लाई हो रही है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी क्रूड जारी होने से कच्चे तेल की जो आपूर्ति है वो पूर्ण खपत के मुकाबले पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ जानकारों का मानना है। तो इसलिए कच्चा तेल तो कभी नरमी और कभी हल्की सी बढ़त के साथ ऐसी ही हाई वोलेटिलिटी के साथ अभी ट्रेड करता रहेगा। हालांकि जो प्राइसेस हैं इतने उछाल नहीं मारेंगे तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे, ऐसा अभी मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है। घरेलू वायदे की बात करें तो MCX पर भी क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो भी नीचे में 7,000 से लेकर 7,200 तक नीचे जाती हुई नज़र आ सकती हैं। बात करेंगे अब यहाँ पे बेस मेटल्स की। तो बेस मेटल्स में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जिंक की। तो जिंक की कीमतों में आज हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। MCX जिंक देख रहे हैं 1.5% की तेजी के साथ 361 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि LME पर भी जिंक की जो कीमतें उनमें एक शानदार बढ़त देखने को मिली है। जिंक की जो कीमतें हैं अपने रिकॉर्ड हाई पे आसपास देखने को मिली है। जो जिंक की कीमतों ने जो जिंक की कीमतें नवंबर 2006 में देखने को मिली थी रिकॉर्ड पीक पर, उससे सिर्फ $200 की दूरी पर है। और आपको बता दें कि जिंक के जो फ्यूचर हैं इस समय $4,400 पर ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। जिंक की जो सप्लाई है वो कम है, दूसरा जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो जिंक समेत अन्य बेस मेटल्स की जो रुझान रहेगा ओवरऑल बात करें तो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। आपको बता दें बाकी बेस मेटल्स का भी, तो MCX निकल देखने 2500 पर है और कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.7 पर। देख रहे हैं जिंक में आई तेजी का असर बाकी दूसरे बेस मेटल्स की कीमतों पर भी आज पड़ता नजर आ रहा है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। यहाँ से आगे बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, जानेंगे कि अब एग्री कमोडिटीज़ का बाजार कैसा रह सकता है। और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले आज मेंथा ऑयल से। तो मेंथा ऑयल की कीमतों को हमने कुछ हल्की हल्की धीरे धीरे बढ़त की ओर जाते हुए देखा है। पहले तो हम देख रहे थे कि मेंथा ऑयल का जो मार्केट थी काफ़ी ज़्यादा सुस्ती, ना ही ज़्यादा मंदी बनती नज़र आ रही थी, ना ही ज़्यादा तेज़ी। लेकिन अब देख रहे हैं कि MCX पर वायदा बाजारों में मेंथा की जो कीमतें हैं उन्होंने अब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ी तेज़ी दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल मेंथा के जो फंडामेंटल्स हैं वो इस बार स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इस बार मेंथा की बुआई कम है और क्योंकि किसानों को उनकी मेंथा की फसल का अच्छा दाम नहीं मिला था, जिसकी वजह से किसानों ने दूसरी फसल की ओर शिफ्ट कर लिया, तो इसी की वजह से मेंथा की जो कह सकते हैं उत्पादन है इस बार कम रहेगा, बुआई कम है, रकबा भी काफ़ी कम है।
दूसरा अगर एक्सपोर्ट डिमांड या फिर कह सकते हैं अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मेंथा की आगे अच्छी देखने को मिलती है तो मेंथा की कीमतों को कहीं ना कहीं पंख भी लगते नजर आ सकते हैं, मेंथा आगे जाकर महंगा हो सकता है अगर डिमांड अच्छी रहती है तो। अभी हाल फिलहाल में जो जानकारों का कहना है वो ये कहना है कि मेंथा की जो प्राइसेज हैं अभी MCX पर मैक्सिमम ऊपर में 1150 से लेकर 1200 तक देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे यहाँ से अब कॉटन की, तो MCX कॉटन में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। 43,000 के ऊपर हमने कॉटन को ट्रेड होते हुए देखा है MCX के ऊपर, आज भी देख रहे हैं 43,000 के ऊपर तो नहीं है लेकिन 42,000 के ऊपर सस्टेन हो रखी है। मार्केट एक्सपर्ट्स को भी ये लग रहा है कि कॉटन में अभी भी यहाँ से तेजी बन सकती है क्योंकि नया माल तो सितंबर अक्टूबर में ही आता है। दूसरा अभी विदेशों में जो डिमांड है वो स्ट्रांग बनी हुई है कॉटन की, घरेलू बाज़ार में भी कपास की भी जो मांग है वो अच्छी खासी बनी हुई है, जानकारी यहाँ से कॉटन में आगे तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। दूसरा अमेरिका में इस बार कॉटन की जो प्लांटिंग है यानी कि जो एकरेज है वो थोड़ा कम रह सकता है क्योंकि टेक्सास जो जगह है अमेरिका में जो कि अमेरिका में कॉटन के लिए मुख्य उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है वहाँ पर सूखे के हालात हैं जिसकी वजह से कॉटन की जो सप्लाई है कम रहने कॉटन का जो उत्पादन है कम रहने की वजह से सप्लाई कम रहने की चिंताओं के बीच यहाँ पे अभी विदेशों में तेजी दर्ज की जा रही है। तो कॉटन में ओवरऑल रुझान तेजी का ही है। जानकारों के अनुसार कॉटन यहाँ से अब 43,000 तो दिखा सकती है, नेक्स्ट लेवल दिखा चुकी है 43,000 M6 कॉटन। अब यहाँ से अगला जो टारगेट दिया गया है जानकारों द्वारा वो दिया गया है 45,000 का, फिर 45,000 के बाद ऊपर में कॉटन 47,500 तक जाती नजर आ सकती है। तो कॉटन के साथ साथ हाजिर में कपास की भी जो कीमतें हैं उनमें भी तेजी आती नजर आ सकती है। बात करेंगे यहाँ से बिनौला खल की, तो बिनौला खल की कीमतों में हमने यहाँ से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। हालांकि जानकारों का यही कहना है कि 1 अप्रैल के दिन बिनौला खल में जो नरमी आई थी जो ट्रेड बना था वो थोड़ा इसलिए देखने को मिला था क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे था, इसकी वजह से बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी आती नज़र आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आती नज़र आई थी। अब देख रहे हैं बिनौला खल का अप्रैल वायदा 3200 के आसपास है, वही मई वायदा 3200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 3220 के आसपास। अभी बिनौला खल की कीमतों में यहाँ से अच्छी तेज़ी देखने के लिए थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। कुछ जानकार तो बिनौला खल में नरमी बता रहे हैं, कुछ जानकार बिनौला खल में तेजी बता रहे हैं। जो जानकार बिनौला खल में तेजी बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार कोई भी ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है जो बिनौला खल की कीमतों में नरमी लाए, लेकिन वायदा बाजार में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर बिनौला खल का जो वायदा में ऊपरी स्तर देखने को मिल चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग आई है। दूसरा हाजिर में ऊपरी स्तर पर बिनौला खल का जो उठाव है जो लिवाल है वो थोड़ा कम देखने को मिला है, तो कुछ जानकार इसलिए गिरावट बता रहे हैं। तेजी वाले जानकार इसलिए तेजी बता रहे हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन कम है, मिल्क फूड प्राइसेस जो हैं वो तेजी की ओर हैं, दूसरा हरे चारा महंगा हुआ है और अभी कॉटन की भी जो प्राइसेस हैं उनमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है, कॉटन का जो बीज है वो भी थोड़ा कम रह सकता है, इसलिए बिनौला खल की जो सप्लाई है आगे जाके वो थोड़ी टाइट बन सकती है, ऐसा अभी जो बिनौला खल में जानकार तेजी बता रहे हैं उनका ऐसा मानना है। बात करेंगे यहाँ सब कैसे सीड की, तो कैस्टर में देख रहे हैं कि कैसे सीड का अप्रैल वायदा 7300 के ऊपर है 1.5% की करेक्शन के साथ। हमने फ्राइडे वाले दिन जब कम्योडिटी बाजार क्लोज हुई थी तो कैसे सीड को 7500 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए देखा था, हालांकि वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है लेकिन 7300 के ऊपर आज मार्केट सस्टेन है। देखने वाली बात यह होगी कि अगर कैसे सीड यहाँ से 7300 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो कैसे सीड 7400-7500 का लेवल फिर से दिखाएगा। फंडामेंटल्स कैस्टर सीड के मजबूत ही हैं, चाइना में लॉकडाउन लगने की वजह से कैस्टर ऑयल की डिमांड भले ही थोड़ी कम हुई हो लेकिन आगे चल के कैस्टर सीड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार तेजी ही बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर यहाँ पे कैस्टर सीड 7500-7600 के लेवल्स पर सस्टेन हो जाता है तो आगे जाके 8,000 तक का भी लेवल लंबी अवधि में कैस्टर सीड दिखा सकता है NCDX पर। बात करेंगे यहाँ से मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनी का अप्रैल वायदा आज 12,000 के ऊपर है, 2.5% की तेजी है। जीरा देख रहे हैं अप्रैल वायदा 22,500 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 22,870 का भी हाई लगा चुका है। वही मई वायदा जीरे का 23,000 के ऊपर का हाई लगा चुका है। और जो हल्दी है, हल्दी में भी हमने सुबह के कारोबारी सत्र में बढ़त बनते हुए देखी थी, वही शाम के कारोबारी सत्र में भी देख रहे हैं बढ़त ही देखने को मिल रही है, 9,300 के ऊपर है। आज देख रहे हैं कि मसालों की कीमतों ने यहाँ से यूटर्न लिया है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो कीमतें तेज हुई हैं अचानक से ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है,
अभी अप्रैल के मध्य तक या अप्रैल के एंड होते होते मसालों की जो कीमतें हैं उनमें अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी वाली तेजी, यानी जो तेजी जो कायम रह सकती है वो वाली तेजी अप्रैल के मध्य या फिर उसके अंत तक बननी शुरू हो जाएगी। फंडामेंटल्स ओवरऑल मजबूत ही है, जैसा हम आपको बता चुके हैं, जैसे धनिया का उत्पादन कम रह सकता है, जीरे का उत्पादन कम रह सकता है, हल्दी भी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड मसालों का आगे जाके पॉजिटिव ही रहने वाला है। जीरे और धनिया की रिपोर्ट्स हम आपको पहले ही दे चुके हैं, हल्दी में भी जो जानकार है लंबी अवधि में यहाँ से 12,000 का टारगेट बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी महीनों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हाल फिलहाल में अभी जो हल्दी है जैसे 9300 के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ चुकी है, अगर तेज़ी जारी रहती है तो 9500-9600 के भी लेवल्स यहाँ पे दिखा सकती है। तो कुल मिलाकर शॉर्ट कवरिंग में भी और लंबी अवधि में भी मसालों में जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ से अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का अप्रैल वायदा 12,800 के ऊपर है, 13,200 का ही लगा चुका है, आज आधे फीसदी की करेक्शन ग्वार में बनती नज़र आई है ऊपरी स्तरों से। वहीं गवार सीड में देख रहे हैं कि गवार सीड का अप्रैल वायदा 6,500 के ऊपर है, 6,725 का ही लगा चुका है, 1.5% की करेक्शन गवार सीड में भी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि गवार सीड में अब धीरे धीरे जो फंडामेंटल्स हैं वो धीरे धीरे जो मजबूती वाले थे अब मजबूती दिखाते नज़र आ रहे हैं, अब एक्चुअल में जो तेज़ी बननी है वो तेज़ी बनती नज़र आई है। हालांकि वायदा बाजार में देख रहे हैं ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, गवार गम गवार सीड अभी हाल फिलहाल में लगातार तेजी की ओर ही रहेगा। जानकारों का कहना है कि गवार का प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्शन कम है, मंडियों में अच्छी क्वालिटी की गवार उपलब्ध नहीं है, किसानों ने व्यापारियों ने गवार को स्टॉक किया हुआ है जिसकी वजह से तेजी बन रही है, और सबसे मेन कारण जिसकी वजह से ग्वार की जो कीमतें हैं उनमें उछाल आ रहा है वो है ग्वार की एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ जाना। जब से अमेरिका ने रशिया के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया है और ये बयान दिया है कि अमेरिका अपना खुद का क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएगा, तो तब से इंडिया की ग्वार की जो कीमतें हैं उनमें एक हाइक देखने को मिली है जो कि आगे भी जारी रह सकती है। जानकारों के मुताबिक अब यहाँ से ग्वार गम 14,500 से 15,000, वहीं ग्वार सीड भी 7,000 के ऊपर जाता नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल रुझान ग्वार गम ग्वार सीड में भी तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करेंगे यहाँ से अब एडिबल ऑयल पैक की। तो हमने देखा है कि जब से रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई है, युद्ध शुरू हुआ है, तब से वहाँ से होने वाली सनफ्लावर ऑयल की जो कह सकते हैं निर्यात है वो रुक गई है, जिसकी वजह से जो देश वहाँ से सूरजमुखी का तेल खरीदते थे, सूरजमुखी के बीज खरीदते थे, उनकी सप्लाई बाधित हो गई। दूसरा, जो देश अब सूरजमुखी का तेल रशिया और यूक्रेन से खरीदते थे अब वो दूसरे तेल पर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि उसमें शामिल है CPO, सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल। तो इन तीनों तेलों की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ गई है। अन्य देशों के साथ साथ भारत की बात की जाए तो भारत में लगातार सोयाबीन, सरसों तेल और CPO तेल, इन तीनों की जो डिमांड है लगातार बढ़ गई है। आपको बता दें कि सरसों MSP से ऊपर बिक रही है, सोयाबीन ऑयल यानी कि रिफाइंड सोया के जो दाम हैं वो भी लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और CPO का जो इम्पोर्ट है इंडिया में वो भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो खाद्य तेलों का जो रुझान है ओवरऑल कुल मिलाकर आगे में तेज़ी वाला ही जानकार अभी बता रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी हैपनिंग होती है या कोई ऐसी खबर आती है उसकी वजह से मार्केट थोड़ी उठापटक के साथ ज़रूर कारोबार करती नज़र आती है, लेकिन कुल मिलाकर जो रुझान रहेगा खाद्य तेलों में आगे तेज़ी वाला ही रहेगा। इस बार हम देख रहे हैं कि जैसे सरसों है, सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी जो कीमतें हैं वो कम नहीं होती नज़र आ रही हैं, बल्कि लगातार तेज़ी की ओर ही बढ़ रही हैं। अभी रमज़ान है, नवरात्र हैं, तो खाद्य तेल के दाम वैसे ही कम नहीं होने वाले हैं। हमने होली पर भी ऐसी यही हाल देखा था, और अब भी रमज़ान का महीना रहेगा, नवरात्र रहेंगे, तो आगे भी ऐसी खाद्य तेलों में जो तेज़ी है वो जारी रहेगी। बात करेंगे यहाँ से अब सोयाबीन की। तो सोयाबीन में हमने देखा है कि जो कीमतें हैं 1700 से पहले 1650 पर गई, अब 1650 से सीधे 1500 के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि ओवरऑल रुझान तो सोयाबीन में तेज़ी वाला ही है, लेकिन अमेरिका से कुछ ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसकी वजह से सोयाबीन का जो बाज़ार है वो टूटता नज़र आया है, वो भी आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल अमेरिकन USDA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सोयाबीन की बुआई का जो रकबा है वो इस बार रिकॉर्ड रकबा देखने को मिल सकता है। इस बार अमेरिका सोयाबीन की रिकॉर्ड बुआई कर सकता है, जिसकी वजह से सोयाबीन का जो बाज़ार है वो टूटता नज़र आया है। चीन भी अमेरिका से ही लगातार इंपोर्ट कर रहा है, चीन में सोयाबीन की ज़्यादा डिमांड है,
जिसकी वजह से बाजार टूटा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सोयाबीन में लगातार तेजी का ही रुझान है, कुल ओवरऑल ट्रेंड सोयाबीन का पॉजिटिव ही है, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पहले सूखे के चलते सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से ब्राज़ील और सोयाबीन में उत्पादन अनुमान सोयाबीन का कम किया गया। अब खबर निकल के सामने आई है कि अर्जेंटीना में अब स्प्रिंग सीज़न आ गया है, यानी कि बसंत ऋतु आ गई है, जिसकी वजह से अब आगे जो धीरे धीरे ठंड पड़ेगी उसकी वजह से सोयाबीन को नुकसान पहुँच सकता है। और कुछ कृषि एजेंसियों ने जो अर्जेंटीना की है, उन्होंने अर्जेंटीना के उत्पादन अनुमान में फिर से कटौती कर दी है, तो इसकी वजह से आगे जो सप्लाई है सोयाबीन की वो थोड़ी ग्लोबली टाइट रह सकती है। तो कुल मिलाकर रुझान सोयाबीन में तेजी वाला ही रहेगा। ये बस अमेरिका में जो सेंटीमेंट बना है हाई रिकॉर्ड रकबे का, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी टूटती नज़र आई है। कुल मिलाकर तेल तिलहनों में तेजी वाला ही रुझान है। बात करेंगे यहाँ से अब वीट की, गेहूँ की। तो हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन, जब से युद्ध जारी हुआ है दोनों के बीच, तब से दोनों के बीच जो एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और उन्होंने अपने खुद के देश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि उनके देशों में किसी भी तरह की फूड को लेकर, अनाज को लेकर किल्लत ना हो। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन पूरे विश्व में लगभग 25-30% की गेहूँ की कह सकते हैं गेहूँ की सप्लाई, गेहूँ के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, जो कि काफ़ी अहम बड़ा योगदान है। और इन दोनों देशों, भारत में इन दोनों देशों से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन भारत तब भी ज़्यादा इसलिए निर्यात नहीं कर पाता है गेहूं का, क्योंकि भारत की जनसंख्या दोनों देशों को मिला के भी ज़्यादा है, इसकी वजह से भारत में गेहूं की ज़्यादा खपत हो जाती है। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि दोनों देशों से गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है, गेहूं का निर्यात बाधित हुआ है, जिसकी वजह से आगे जा भारत ने गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात करना शुरू कर दिया है, और भारत इस बार अपने गेहूं के निर्यात में रिकॉर्ड बना सकता है, और गेहूं की जो कीमतें हैं उनमें भी लगातार बढ़त ही देखने को मिल रही है। कई राज्यों में देख रहे हैं कि गेहूं की जो कीमतें हैं वो MSP से ऊपर हो रही हैं। पहली बार हो रहा है कि किसानों को गेहूं के इतने अच्छे दाम अब जाके कुछ सुधर कर मिलने शुरू हुए हों, तो किसानों ने भी अब बाकी फसलों को छोड़ कर गेहूँ में ध्यान लगाना शुरू कर दिया है, गेहूँ का रिकॉर्ड निर्यात कर रहे हैं। बात करेंगे यहाँ से अब शुगर की, चीनी की। तो चीनी में खबर निकल के सामने आई है कि इंडियन शुगर एक्सपोर्टर्स ने, यानी भारतीय चीनी निर्यातकों ने चीनी के लगभग 7.2 मिलियन टन के सौदे कर दिए हैं, वो भी बिना सरकारी सब्सिडी के। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की जो डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले भी खबर निकल के सामने आई थी, जो कि सूत्रों के हवाले से थी, कि जो चीनी का अनियंत्रित तरीके से निर्यात किया जा रहा है, सरकार की उस पर पैनी नज़र टिकी हुई है, और सरकार चीनी निर्यात पर कोई फैसला लगा सकती है, यानी कि कैप लगा सकती है कि मैक्सिमम लिमिट इतनी हो सकती है। अभी इस पर सरकारी कोई बयान नहीं आया, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है, मार्केट में ऐसी खबर आ रही थी जिसकी वजह से आपके साथ ये साझा कर रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट, कि कौन सी कृषि फसल में क्या रुझान है, क्या प्राइसेस हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।